नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की सुर्खी विधानसभा अंतर्गत विकास के दावों की हकीकत बयां करती तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें उसी जैसी नगर क्षेत्र से सामने आई है जहां दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास तथा भूमि पूजन किया था। इसी जैसी नगर में तेज बारिश के कारण ग्रामवासी तिरपाल और छाता लगाकर दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा अंतर्गत जैसी नगर के भदभदा में शमशान घाट न होने के कारण अंतिम संस्कार खुले में ही किया जाता है। आज 64 वर्षीय बेनीबाई पति तुलई अहिरवार का निधन हो गया। जब बेनीबाई के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो बीच में ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे अंतिम संस्कार करने के लिए तिरपाल लगाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया, भदभदा पर शमशान घाट ना होने की जानकारी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन को पहले दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से सिर्फ कोरे आश्वासन ही प्राप्त हुए हैं। इस मामले में प्रशासन के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सागर जैसी नगर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। असुविधा हो रही है आपके लिए? हमारे यहाँ मुक्तिधाम में कोई सुविधा ही नहीं है, और हमारे कई सवार कह चुके हैं, नेतों से कह चुके हैं, मंत्रियों से भी कह चुके हैं। कई बार वे कहते हैं कि हो जाएगा, सरपंच ने भी कहते हैं हो जाएगा, आप पैसा आ गया हो ना आ गया हो भी कहते हैं कि सब हो जाएगा, वो तो तुम्हारा मुक्ति धाम बन जाएगा। अब आज की स्थिति ऐसी कि बरसात में मर जाएगा, अभी भीग रहे ऐसे में हम मुर्दा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप सब जन देख रहे हैं, जनपद से भी कही आवाज़ सबको मालूम है। क्या बोल देते हैं वो? हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ कोरे आश्वासन देते बस। क्या समस्या आ रही, क्या हो गया है? अब समस्या तो आपके सामने देख रहे, देखिए सब शमशान घाट में ना कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी में भींज रहे हैं, अर्थी पानी में भींज रही है। आपकी आँखों समक्ष आप खुद देख रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, दिख रही है आपके। पानी में हम सब लोग भींजे खड़े हैं। हम लोगों की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना टीन सेट है और ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि ताकि हम लोगों में हमारी समस्या हल कर सके। मांग नहीं की आपने? सरपंच ने मांग की है हम लोगों ने। हमने सरपंच के लिए कई बार बोला है और बोलते हैं, आश्वासन देते कि करेंगे, और थोड़ा सा जो काम कर दिया, जो बामनगरी दिख रही थोड़ी सी, बस इसके बाद काम बंद पड़ा है, आज तक ना कोई काम ही नहीं हुआ। क्षेत्र में मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत हैं, उनसे नहीं बोला आप लोगों ने, बाड़वासियों ने, कि सर हमारे यहाँ मोहल्ले में मुक्ति धाम नहीं है तो उसकी कोई व्यवस्था करें? तो क्षेत्र के मंत्री जी को मैंने एक बार सरपंच द्वारा लिखित में भेजा था, लेकिन अब वहाँ तक पहुँची लिखित के नहीं पहुँची वो बात मुझे नहीं है पता, लेकिन अब उनको दिख तो रहा है कि यहाँ जो काम होना चाहिए, सरपंच से बोला, अब सरपंच से मंत्री जी ने बोला है या नहीं बोला है वो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सो जी आपके समक्ष आप खुद देख रहे हो, हम ऐसे, सब लोग ऐसे देख रहे हैं लोग बरसात में ऐसे इसी प्रकार से हम लोग पूरी बरसात भर परेशान होती है। पंचायत की तरफ से लकड़ियाँ भी नहीं मिलती है क्या? पंचायत की तरफ से ना लकड़ी मिलती है, ना वन विभाग से मिलती है, वो तो कहीं से उल्टी सीधी हम लोग करके व्यवस्था अपना देहांत क्रिया करते हैं।